नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी क्लास नंबर 58 है, जिसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर फर्स्ट। सो फ्रेंड, पार्ट नंबर फर्स्ट में हम गिल्स से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। और इसके बाद जो हमारा पार्ट नंबर सेकेंड आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो हमने फिश वाले लेसन में भी डिस्कस किया था। उसके अलावा लंग्स से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होंगे, और जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं वो भी हम सेकेंड पार्ट में ही डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक चीज आती है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या बताता है? एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2, है ना। अब यहाँ पे इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट से रिलेटेड, लेकिन ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड हम एक अलग से यूनिट में पढ़ेंगे और काफी डिटेल में पढ़ेंगे। सो उसी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए कि जो ह्यूमन बींग का जो रेस्पिरेटरी पैसेज कह सकते हैं आप, उसका एक फ्लो चार्ट बना के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप मुझे सेंड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये शुरू कहां से होता है और खत्म कहां से होता है। क्लियर? शुरू होता है कहां से? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। क्लियर? और खत्म कहां पे होता है? एल्वियोलाई। क्लियर? एल्वियोलाई। ओके, सो ये पूरा का पूरा है, और बीच के जो कंसेप्ट हैं वो आपको लिखने हैं फ्लो चार्ट के अंदर। ओके, सो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है bit.ly/ZOOLOGYREZ। आर बड़ा रखना है और बाकी सारे लेटर छोटे। सो जस्ट क्लिक करना है, अपने डिटेल्स फिल करनी है और सबमिट कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए फिर इस लेसन को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, मायसेल्फ धीरज शर्मा एंड आई एम टीचिंग सिंस May 2017, एंड दिस इज जूलॉजी ऑप्शनल कोर्स, एंड आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट दिस। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सभी को पता है कि यहाँ पे क्या होता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज। क्लियर? अब ये एक्सचेंज किस तरीके से होता है और ये एक्सचेंज होता कहाँ कहाँ पे है, है ना। सो पहला तो यही कंसेप्ट है कि कहाँ कहाँ पे होता है। दो जगह पे होता है। कौन कौन सी है वो 10 जगह? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और टिश्यूज। क्लियर? अब देखिए, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा रिलेट करते हैं किससे? डाइजेस्टिव सिस्टम से तो आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम से भी इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे। ओके, अब फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सभी को पता है कि रेस्पिरेशन होगी। रेस्पिरेशन दो तरह की होगी। कौन कौन सी? इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लियर? लिख लीजिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, है ना, ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। चलिए इसको भी क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं हायर एनिमल की बात करूं, या फिर किसी में भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मेन यही होगा कि ऑक्सीजन कैरी करेंगे अंदर की साइड और CO2 बाहर निकल जाएगी। सो फ्रेंड, द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू कन्वे ऑक्सीजन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट टू द टिश्यू, एंड वेर इट इज यूज्ड अप फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। किसके लिए? टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्लियर? And to carry carbon dioxide that is produced in the tissue and release it out of the body. Clear? देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर आई कहां से? एक्सटर्नल एनवायरमेंट से। किसके पास? टिश्यूज के पास। अब टिश्यूज के पास आई है तो क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जो हमने खाना खाया था, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट किया इसको, किया ना। चलिए, अब ऑक्सीडेशन होगा किसका? ग्लूकोज का। किस लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अब देखिए, यहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम से भी रिलेट करेंगे इस कंसेप्ट को, लेकिन अब इंटरनल और एक्सटर्नल समझ लीजिए कि ये क्या है। देखिए, इंटरनल में क्या होता है पता है किसी को? इंटरनल रेस्पिरेशन में
O2 और C2 का एक्सचेंज तो होगा, लेकिन किस किस के बीच में? पहली एंटिटी होगी ब्लड और दूसरी क्या होगी? टिश्यू। क्लियर? या फिर सेल्स कह सकते हैं। क्लियर? ये तो हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन। अब अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की मैं बात करूं तो यहां पे क्या होगा? पहला तो वही सेम ब्लड है ना, और दूसरा दूसरा क्या? एक्सटर्नल एनवायरमेंट। क्लियर? तो ये यहां पे डिफरेंस है। समझ में आ गया है ना? अब देखिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम से कैसे रिलेट करते हैं। फ्रेंड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम सभी ने पढ़ा होगा 11th और 12th क्लास में, है ना, और एनसीईआरटी सभी ने पढ़ी होगी, वहां पे काफी अच्छा बताया हुआ है। ब्लड जो है वो क्या कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। उसके साथ साथ और क्या कैरी करेगा? ये दोनों की दोनों जो गैसेस हैं वो भी कैरी करेगा, एक समय CO2 एक समय O2, है ना। सो फ्रेंड, द ब्लड अलोंग विद इट्स हीमोग्लोबिन सर्व टू ट्रांसपोर्ट गैस, और ये जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? टू एंड फ्रो। क्लियर? अब टू एंड फ्रो से क्या है? दोनों साइड का, है ना। ठीक है, यानी कि कहां से कहां तक? एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दोनों तरह की मूवमेंट होगी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इधर भी जाएगा लेके और इधर लेके बाहर जाएगा। अब इसको इंटरनल और एक्सटर्नल से आप रिलेट कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना। और ये सारा कुछ होता कैसे है ना? अब ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि यार इतना सारा कुछ चल रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन ये हो कैसे रहा है ना। तो पहला इसका ऑर्गन है गिल्स, जो कि हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं। कौन सा है भाई? लंग्स है। क्लियर? स्किन के द्वारा भी होता है ना। और जो कुछ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये हमने कौन से लेसन में पढ़े थे? 30th लेसन में। क्लियर? 30th क्लास थी, किसकी थी? मेरी ही थी, है ना। वहां पे तो हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, है ना, लेकिन अब इसको नेक्स्ट लेसन के अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इस लेसन के बाद ही नेक्स्ट लेसन आ जाएगा आपके पास। सो फ्रेंड, ये सारा कुछ क्लियर? अब देखिए, जो ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसके अंदर एक और इंक्लूड कर सकते हैं, बकोफेरेंजियल एपिथेलियम। इसके बारे में भी थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब देखिए, कुछ एसेंशियल फीचर्स हमने पढ़े थे फिस वाले लेसन में ही, ये थे वो एसेंशियल फीचर्स, है ना। आप लेसन नंबर 30 पे जाके देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देता हूँ, और यहाँ पे भी थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, bit.ly/CLASS30Z। ओके, ये लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया है। सभी जो लेटर है वो छोटे होंगे। फ्रेंड्स, पहला फीचर क्या है? ब्लड मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, दैट इज एयर और वाटर, बाय ए थिन एपिथेलियम। क्लियर कंसेप्ट है ना। सो द एपिथेलियम मस्ट बी परमिएबल टू परमिट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू इट। ओके, एंड द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम मस्ट ऑलवेज रिमेन मॉइस्ट विद ए फिल्म ऑफ फ्लूड टू परमिट ऑस्मोसिस ऑफ गैसेस। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ऑस्मोसिस है ना, परमिएबल, और ये सारी चीजें, यानी कि क्या चीजें क्या क्या है, इतना ही समझना है। बाकी सारा तो आपको पता है कि भाई ये चीजें इस तरीके से होती है ना, सभी को पता होती है ये सारी चीजें। ओके, सो द एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी एक्सटेंसिव टू अलाउ एफिशियंट एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड बोथ द करंट ऑफ एयर और वाटर आउटसाइड एंड ब्लड इन कैपिलरीज मस्ट बी मेड टू सर्कुलेट कॉन्स्टेंटली फॉर क्विक रिप्लेसमेंट ऑफ गैसेस। यानी कि इसका ये आप ये कह सकते हैं कि इसका 4G वाला चक्कर होना चाहिए, है ना, मतलब सब कुछ इसको फास्ट फास्ट चाहिए। क्लियर? यानी कि आपका जो रैम होता है ना मोबाइल का, उसी तरीके से रैम ज्यादा है
फटाफट काम करेगा, मतलब एक क्विक रिप्लेसमेंट होना चाहिए गैसेस का। अब मान लीजिए आप बाय चांस 1 मिनट के लिए या फिर 2 मिनट के लिए अपना सांस रोक के रख लेते हैं, तो एकदम से फिर क्या होता है, सांस फूलती है ना, और फिर एकदम से एक्सहेल और इनहेलिंग पूरा का पूरा ये सिस्टम होता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, यहां पे क्या क्या पढ़ लिया हमने, रेस्पिरेशन के टाइप पढ़ लिए और सारा कुछ पढ़ लिया है ना। अब देखिए, जो लोअर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्या, फ्रेंड्स, इन लोअर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स द रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर नॉट कनेक्टेड टू द ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन, क्लियर है। बट इन एयर ब्रीदिंग वर्टिब्रेट देर इज ए क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द टू। अब बिटवीन द टू क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन्स, क्लियर है ना। अब क्वानोसाइट्स की मैं बात करूं, सो देर इज ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द ऑल्फैक्ट्री एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब यहां पे क्या होगा, इन विच द इंटरनल नेरिस ओपन्स फ्रॉम द नेजल कैविटी इन टू द बकल कैविटी, क्लियर। बट इट इज ओनली इन टेट्रापॉड दैट एयर एंटर्स थ्रू द नेजल कैविटी इन टू द बकल कैविटी एंड देन इन टू द लंग्स। अब यहां पे एक पैसेज आपको पता लग गया कि कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, नेजल कैविटी इन टू द बकल कैविटी एंड देन इन टू द लंग्स। ओके, सो इसीलिए मैंने आपसे ह्यूमन बीइंग का एक फ्लो चार्ट पूछा था रेस्पिरेटरी पैसेज का, है ना। आई होप सभी ने व्हाट्सएप कर दिया होगा, टेलीग्राम कर दिया होगा या फिर मेल कर दिया होगा, है ना। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, सो यहां तक सारा कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बेसिक बेसिक आपको सारा कुछ पता लग गया है ना। अब ये कैसे हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 ये सारा कुछ हो रहा था, लेकिन अब इसकी मैकेनिज्म जानना जरूरी है ना। मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है कि ये सारा कुछ चल कैसे रहा है ना। इतनी बड़ी बॉडी है और इतना बड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारा कुछ सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है, सो चल कैसे रहा है ना, भगवान भरोसे चल रहा है। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं फ्रेंड्स। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़े उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट। अब मैंने एक चीज बताई थी कि रेस्पिरेशन किन किन के द्वारा होता है ना। पहला था लंग्स, गिल्स और स्किन, यही तीन मेन होते हैं है ना। उसके अलावा तो जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो भी होते हैं, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ARO लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब ये स्किन है, स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन किस में होता है, इसका एग्जाम्पल पता है किसी को, एन्यूरेंस, क्लियर, ANURANS, क्लियर फ्रेंड्स। अब अगर बात करें फिशेज की और एक्वेटिक टर्टल की, उनमें क्या होगा, जो वेस्कुलर रेक्टम है और क्लोएका है वो एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब सारा कुछ वर्क करता है, क्लियर। सो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इन वर्टिब्रेट्स द स्किन मे बी रेस्पिरेटरी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया एन्यूरेंस, एंड वाइल इन द सम फिशेज एंड एक्वेटिक टर्टल द वेस्कुलर रेक्टम और क्लोएका इज रेस्पिरेटरी, क्लियर। बट देर आर टू मेन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दैट इज गिल्स एंड लंग्स। ओके, अब जो गिल्स है वो किन के लिए है, पता है किसी को, पता है किसी को, एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए। ओके, और जो लंग्स है वो किसके लिए है, वो किसके लिए भाई, एरियल रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, एरियल और एक्वेटिक रेस्पिरेशन दोनों होंगे। लेकिन बहुत सारे एनिमल ऐसे भी हैं जिनके पास दोनों चीजें अवेलेबल है, ये कंसेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूं है ना। चलिए अब इसकी जो मैकेनिज्म है वो पढ़ते हैं, और मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और याद भी रखना है सारी की सारी चीजें। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बात करूं किसकी,
फिश और एम्फीबियंस की। क्लियर? सो यहां पे क्या होता है, सेम मैकेनिज्म होता है। अब सेम मैकेनिज्म है तो हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस भी है, वो भी बताऊंगा। ओके, सो फ्रेंड, इन फिशेज एंड एम्फीबियंस द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज द सेम। क्लियर? सो होता क्या है यहां पे, द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी इज लोअर्ड एंड वाटर और एयर। अब ये जो वाटर और एयर आया है ना, वाटर को आप रिलेट कर सकते हैं किससे, फिश से, और एयर को रिलेट कर सकते हैं एम्फीबियन से। क्लियर? ओके, वाटर तो हो गया फिश के अंदर, एयर हो गया एम्फीबियंस के अंदर। इज टेकन इन एंड देन माउथ इज क्लोज्ड एंड द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी इज रेज्ड विच फोर्स द वाटर इनटू द गिल क्लेफ्ट्स और द एयर इनटू द लंग्स। और वाटर इनटू गिल क्लेफ्ट, फिर वही कंसेप्ट फिश वाला, और ये हो गया एम्फीबियंस। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए फ्रेंड्स, अब जो एमनियोट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, किस तरीके से होता है। इन एमनियोट्स एयर इज टेकन इन बाय इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स बाय द एक्सपेंशन ऑफ द थोरेक्स। क्लियर? ये सारा कुछ कैसे होता है, दिस इज डन बाय द मूवमेंट ऑफ द रिब्स। अब देखिए, अब इसी कंसेप्ट को मैमल्स से रिलेट करते हैं, ठीक है? अब मैमल्स का कंसेप्ट ले लेते हैं यहां पे। मैमल्स के अंदर यही चीज कैसे होगी, यहां पे तो हो गया मूवमेंट ऑफ रिब्स है ना, लेकिन मैमल में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम, ठीक है? मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम, DIAPHRAZM। क्लियर? अब टर्टल की बात करें, जहां पे जो रिब्स हैं वो कैसी होगी, फिक्स्ड होगी, किसके साथ, टू द कैरापस। पढ़ा था ये कंसेप्ट है ना, इन टर्टल वेयर रिब्स आर फिक्स्ड टू द कैरापस। क्लियर? सो द वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज इंक्रीज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ नेक्स एंड लिम्स। ओके, सारा कुछ समझ में आया, फिश एम्फीबियन का समझ में आया, एमनियोट्स का समझ में आ गया, टर्टल का आपको समझ में आ गया, सारे के सारे मैकेनिज्म क्लियर है, है ना? गिल्स किसके लिए होता है, एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए। लंग्स किसके लिए होता है, एरियल रेस्पिरेशन के लिए। ओके, कंसेप्ट क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। सो फ्रेंड, हम एआरओ की भी बात कर रहे थे, है ना? एआरओ हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। सो एआरओ के अंदर आते क्या क्या हैं, जैसे स्किन हो गया, है ना, स्विम ब्लैडर कह सकते हैं, एयर ब्लैडर कह सकते हैं, और जो एपिथेलियल लाइनिंग है, और फेरिंजियल और ब्रेंकियल डायवर्टिकुला है, ये हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। ओके, ये सारी चीजें हम एआरओ के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो पढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास इस लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, गिल्स। सो फ्रेंड, गिल्स किस तरह की रेस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है, एरियल या एक्वेटिक? सो इट इज यूज्ड फॉर एक्वेटिक रेस्पिरेशन। किस किस में ये पाया जाता है, किस में ये एब्सेंट होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, और ये थोड़ा सा हट के क्या फंक्शन करता है, किसके अंदर करता है, ये कंसेप्ट मैं आपकी अभी क्लियर करूंगा। सो फ्रेंड, गिल्स आर यूज्ड फॉर एक्वेटिक रेस्पिरेशन एंड इट इज फाउंड इन फिशेज एंड एम्फीबियंस एंड गिल्स आर लैकिंग इन एनेमनियोट्स एंड बिसाइड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द सरफेस ऑफ द गिल्स। यानी कि यहां पे मेन फंक्शन क्या है, गैसेस का एक्सचेंज है ना, लेकिन सॉल्ट आर ऑल्सो एलिमिनेटेड फ्रॉम द गिल सरफेस इन द मेराइन टीलोस्ट। यहां पे ये एक्सक्लूसिव फंक्शन हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ये इमेज, ये किसकी है, ये कुछ फिशेज और एम्फीबियंस की है, जिनके आप कह सकते हैं कि लार्वल एक्सटर्नल गिल्स है। क्लियर? यानी कि ये इनकी क्या दिखाई गई है, लार्वल स्टेज दिखाई गई है। ओके, सो इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं
ये जो गिल्स है वो कितने तरह के हैं? दो तरह के, पहला एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। ओके, अब जो इंटरनल गिल है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रूगिल्स। अब ये जो दोनों के दोनों टाइप हैं वो किस बेसिस पे डिवाइड किए गए होंगे, पता है किसी को? पता है किसी को इसके बारे में? पोजीशन के बेस पे है, क्लियर? पोजीशन के बेस पे दोनों को डिफरेंशिएट किया गया है। अब आपको थोड़ा सा समझ में आया कि एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड और इंटरनल मीन्स इनसाइड, क्लियर? और इनसाइड वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता चुका हूँ फिस वाले लेसन के अंदर, है ना? सो उससे रिलेटेड तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। ओके, चलिए फ्रेंड्स, एक्सटर्नल गिल्स के बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट है वो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्सटर्नल गिल्स हैं वो लार्वल स्टेज में तो प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये सारी की सारी लार्वल स्टेज हैं, लेकिन ये डिसअपियर हो जाएंगे कहाँ पे? अडल्ट के अंदर, क्लियर? ये अडल्ट में डिसअपियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, द एक्सटर्नल गिल ऑफ फिशेज डिसअपियर इन द अडल्ट एंड गिल मे बी पेक्टिनेट, बाइपिनेट, डेंड्राइट, डेंड्राइट तो नहीं कह सकते, डेंड्रिटिक और यू कैन से लीफ लाइक, क्लियर? एंड फ्रेंड्स, ए गिल हैज ए नैरो सेंट्रल एक्सिस बियरिंग डबल रो ऑफ फिलामेंट एंड दीज आर रिचली वेस्कुलराइज बाय द एरोटिक आर्क, क्लियर? और आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट नहीं होगी, पता है किसी को? जो गिल स्लिट है, गिल स्लिट, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ पे वो एब्सेंट होगी, क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये किसकी है? लार्वल एक्सटर्नल गिल्स ऑफ सम फिशेस एंड एम्फीबियंस, यानी कि जिसमें इलास्मोब्रेंग आ गया, शार्क है, लंग फिश है, एपोडा है, फ्रॉग है, यूरोडेला है और स्लेमेंडर है, क्लियर? और लंग फिशेस के दो हैं, पॉलीपेट्रस और एक ये है, क्लियर? लेपिडोसिरेन पैराडॉक्सा। ओके, चलिए अब डिस्कस करें इस चीज को। फ्रेंड्स, एज यू नो द एक्सटर्नल गिल्स डेवलप फ्रॉम द आउटर वॉल ऑफ फेरिंग्स और यू कैन से फ्रॉम द एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ ब्रेंकियल आर्क। समझ में आ गया इतना, है ना? और अब ये होते कहाँ कहाँ पे है, ये सारा कुछ इमेज आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अब इनके थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। दे अकर्स इन लार्वल लैम्प्रे, फ्यू लार्वल फिशेज दैट इज पॉलीपेट्रस, लंग फिशेज एंड सम लार्वल टीलोस्ट एंड ऑल लार्वल एंड सम अडल्ट ऑफ एम्फीबियंस, क्लियर? मैं अडल्ट फिशेज की बात कर रहा हूं कि एक्सटर्नल गिल्स वहां से गायब हो जाएंगे, क्लियर? लेकिन एम्फीबियंस के अंदर, कुछ एक के अंदर ये प्रेजेंट होंगे, क्लियर? सो देर इज ए सिंगल पेयर ऑफ लार्वल गिल्स इन द कॉन्ड्रिशियंस बोनी फिशेस, क्लियर? अब देखिए जो पॉलीपेट्रस है उसके अंदर क्या होगा? दैट हैज ए लॉन्ग एक्सिस कैरिंग गिल लैमेला। पॉलीपेट्रस आपको दिखाई दे रहा है, ये है पॉलीपेट्रस। ओके, क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए यहां पे एक कंसेप्ट और निकल के आता है, जो अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन लंग फिशेज हैं उनके अंदर क्या होगा? क्या होगा भाई? चार फीदरी एक्सटर्नल गिल्स, सॉरी गिल्स होंगे, क्लियर? यानी कि आप इसको इस तरीके से लिखते हैं कि जो अफ्रीकन है, क्लियर, और साउथ अमेरिकन, कौन सी फिश? लंग फिश, उनके अंदर चार पेयर प्रेजेंट होंगे, किसके? एक्सटर्नल फीदरी गिल्स के, क्लियर? सो द लार्वल फॉर्म ऑफ सम एम्फीबियंस एंड सम अडल्ट यूरोडेल्स पोजेसेस एक्सटर्नल गिल विच अराइज सिंपली एज ए फोल्ड ऑफ स्किन ऑन द सरफेस ऑफ द विच ब्रेंकियल आर्क। कौन सी ब्रेंकियल आर्क, पता है किसी को? बताओ भाई जल्दी जल्दी, तीसरी, चौथी और पांचवी, क्लियर? इसको ध्यान रखना है। ओके, क्या कंसेप्ट बताया?
the larval form of some amphibians and some adult urodels possesses external gill, which arises simply as a fold of skin on the surface of the third, fourth, and fifth branchial arc. Okay? But it is weakly supported by the skeletal system. Concept clear? है ना? चलिए अब जो पेरेनी ब्रेंक एम्फीबियंस है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं नेक्टरस का, NECTRUS नेक्टरस का, और इसके अलावा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रोटियस का, ठीक है, PROTEUS. अब इनके एग्जाम्पल में क्या होगा? That retain external gill throughout the life, along with the two or three pair of gill slits. यानी कि यहाँ पे जो आप कह सकते हैं external gills हैं, वो throughout the life present रहेंगे. उसके अलावा एक चीज और भी होगी कि यहाँ पे दो से तीन pair gill slits भी present होंगे. Okay? समझ में आया कुछ? है ना? यानी कि थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि कहीं पे तो प्रेजेंट है और कहीं पे नहीं है. अगर ओवरऑल देखते हैं तो गिल स्लिट एब्सेंट है, लेकिन ये जो दो स्पीसीज हैं किसकी, पेरेनी ब्रिंक एम्फीबियंस की, तो यहां पे दो से तीन पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे. ओके? एंड विच आर फंक्शन लेस एज ए वॉटर does not pass through pharynx. Present होंगे लेकिन काम के नहीं होंगे. Okay? And friends, you can say instead the gills are waved in water by means of muscles attached at the base of gill axis for respiration. Clear? And the larva of limbless amphibian, इसका example क्या है? Shechelia, have a pair of exceptionally large leaf-like gill with profuse blood supply. Clear? अब salamanders की बात करें. Salamanders हमने एक lesson अलग से लिया था इसका, है ना? So salamanders that inhabit hill stream, which belong to the family, कौन सी family? Plethodontidae. Okay? Have neither gill or nor lung for respiration and survive only on cutaneous respiration. Clear है salamander का, है ना? अब देखिए यहाँ पे एक example क्या है, एक तो ये हो गया Eurasia और salamandrina. Okay? Clear है concept external gills का, है ना? इसके अलावा तो कोई doubt है नहीं, अगर है तो आप पूछ सकते हैं. Okay? अब हमारे पास next concept आता है किसका, इंटरनल गिल्स कह लीजिए चाहे ट्यूब गिल्स कह लीजिए. तो चलिए वो पढ़ते हैं. सो फ्रेंड, आप सभी को पता है कि इंटरनल गिल्स को ही हम ट्यूब गिल्स भी बोलते हैं, है ना? और इंटरनल गिल्स क्या होते हैं, आप इनको ये कह सकते हैं कि इट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ फिशेस. क्लियर? इसीलिए ट्यूब गिल्स इनको बोला गया है. अब ये प्रेजेंट कहां पे होते हैं, है ना? सभी को पता है ये कंसेप्ट, तो हमने फिश वाले लेसन में डिस्कस किया था. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंटरनल गिल्स है, इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे गिल स्लिट, फिर इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, और फिर अलग से डिस्कस करेंगे गिल्स के बारे में, जैसे कि प्रोटोकोडेट्स के अंदर, साइक्लोस्टोम्स के अंदर, इलास्मोब्रैंक्स के अंदर और बोनीफिशेस के अंदर. क्लियर? यानी कि वहां पे थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि ब्रॉड एस्पेक्ट होगा, थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे. क्लियर? क्योंकि यूपीएससी आपसे बहुत बार पूछ लेती डिटेल के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि वो पीएचडी आपसे करवाएगी, लेकिन जितना जरूरी है उतना पढ़ना बहुत ही जरूरी है. क्लियर? सो फ्रेंड, अब देखिए ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हैं फिशेज का, है ना? और कहां पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कहां पे प्लेस्ड होते हैं. सो दीज आर प्लेस्ड इन द गिल स्लिट्स एंड अटैच्ड टू द विसरल आर्क. अब देखिए ये जो एमनियोट्स है, इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने, कहां पे, जब हम रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म पढ़ रहे थे वहां पे. एमनियोट्स के बारे में क्या था, एमनियोट्स
के अंदर गिल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो फिर रेस्पायर किस तरीके से करता है? लंग्स के द्वारा, है ना। और लंग्स के द्वारा भी कैसे करता है? बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ लंग्स। अब जो वॉल्यूम है लंग्स का वो कैसे इंक्रीज करेगा? बाय द एक्सपेंशन ऑफ थोरेक्स। क्लियर। और ये जो थोरेक्स है का एक्सपेंशन है वो कैसे किया था उसने? बाय द मोमेंट ऑफ रिब्स। क्लियर। चलिए अब देखिए क्या समझ में आया कि एमनियोट्स के अंदर गिल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इन एमनियोट्स एम्ब्रियोनिक फेरिंजियल पाउचेस डू नॉट कम्युनिकेट टू द आउटसाइड थ्रू गिल स्लिट्स इन द अडल्ट, सो गिल्स आर नॉट फाउंड इन देम। दैट्स क्लियर। क्लियर है ना। अब देखिए यहां पे सारा कुछ क्या था? देयर इज अ मूवमेंट ऑफ रिब्स, और इसी तरीके से मैमल्स के अंदर होता है मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। ओके, दोनों कंसेप्ट को आप रिलेट कर सकते हैं। ओके, जब लंग्स वाला पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो अब हमारे पास क्या आता है? गिल स्लिट्स। ओके, ये वाला कंसेप्ट। ओके, सो फ्रेंड, एम्ब्रियोलॉजिकल गिल क्लेफ्ट डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ इवेजिनेशन। इसको ध्यान रखना है, देर इज ए सीरीज ऑफ इवेजिनेशन। कहां से? फ्रॉम द फेरिंग्स एंड विच ग्रो आउटवर्ड एंड मीट कोरेस्पॉन्डिंग एक्टोडर्मल इनवेजिनेशन फ्रॉम द आउटसाइड। इनवेजिनेशन और इवेजिनेशन में क्या डिफरेंस है? बताया था 102 क्लास पहले, है ना, क्या डिफरेंस था बताइए जरा कमेंट्स के द्वारा। फ्रेंड्स, एट ईच पॉइंट ऑफ जंक्शन ए क्लेफ्ट और यू कैन से पाउच इज फॉर्म्ड सो दैट वॉटर कमिंग इन टू द फेरिंग्स फ्रॉम द माउथ एंड मे पास टू आउटसाइड। क्लियर। अब देखिए यहां पे एक और कंसेप्ट निकल के आ गया, देर इज ए पार्टीशन बिटवीन ईच पैसेज, देर इज ए पार्टीशन बिटवीन ईच पैसेज वेज कंटेन कार्टिलेजिनस और यू कैन से बोनी सपोर्ट फॉर द गिल फिलामेंट। अब ये कहां पे लोकेटेड होते हैं? विच आर लोकेटेड ऑन ईच साइड। ओके, एंड दीज गिल स्लिट्स परसिस्ट इन द अडल्ट ऑफ साइक्लोस्टोम्स फिशेज एंड सर्टेन एम्फीबियंस बट दे बिकेम एबोलिस्ट इन द हाइयर वर्टिब्रेट्स। अब ये जो शब्द आया ना यहाँ पे साइक्लोस्टोम्स फिशेज एंड सर्टेन एम्फीबियंस, सो साइक्लोस्टोम्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा और डिटेल में इस चीज को क्लियर करेंगे। ओके, सो फ्रेंड अब देखिए यहाँ पे कितने गिल स्लिट्स होते हैं साइक्लोस्टोम्स के अंदर? कितने? 6 to 14 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स इन साइक्लोस्टोम्स। अब इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि प्रोटोकोडेट्स के अंदर कितने गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं, आंसर कर पाएंगे कितने पेयर्स? 700 पेयर्स। ओके, ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा। ओके, 700 पेयर भी होते हैं और जो सिफेलोकोडेट्स हैं वहां पे 150 से 200 पेयर होते हैं, किसके? गिल स्लिट्स के। ओके, सो इसी तरीके से जो शार्क है उसमें 5 से 7 पेयर होते हैं। क्लियर। और रेज फिशेज के अंदर भी यही सेम कंसेप्ट है। और अगर बोनी फिशेज की बात करें, यानी कि मोस्ट ऑफ द बोनी फिशेज, उनके अंदर 4 पेयर। ओके, क्लियर है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखनी है आपको, अगर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है तो एक रेंज लिख दीजिए जो जनरल रेंज होती है। रेंज भी गलत नहीं लिखनी है, यहाँ पे दो तरीके से आप रेंज लिख सकते हैं साइक्लोस्टोम्स के अंदर, 6 to 14 भी लिख सकते हैं और 6 to 15 भी लिख सकते हैं, दोनों ही वैलिड हैं। ओके, एक बुक में 6 to 14 दिया हुआ, एक में 6 to 15 दिया, तो 6 to 15 आप प्रिफर कीजिए, उसके अंदर 14 भी कवर हो जाएगा। ओके, सो गिल स्लिट्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है ना। अब जो स्ट्रक्चर है किसका? इंटरनल गिल्स का, वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हमारे पास आता है इंटरनल गिल्स का स्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हैं ट्रू गिल्स का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर किस किस से रिलेट करेगा? इलास्मोब्रैंक
शिमेरा और टीलोस्ट। अब यहाँ पे हमें ये जानना है कि इनमें क्या कुछ मॉडिफिकेशंस हुई हैं, और मेन जो लेबलिंग है उसको आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, और जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। क्लियर? अब आपको दिखाई दे रहा है कि क्या कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, गिल रेकर, ब्रेंकियल मसल भी है, गिल आर्क भी है, ई फ्रंट आर्टरी, ए फ्रंट आर्टरी, गिल रेज, डेमी ब्रेंक और सेप्टम, ये सभी के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हुआ, देर इज ए रेमिनेंट ऑफ सेप्टम। ओके, ये जो सेप्टम है वो यहाँ पे गायब हो गया है ना, और यहाँ पे थोड़ा सा सिकुड़ा था, यानी कि ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे थोड़ा अंदर गया और ये बिल्कुल यहाँ पे गायब हो गया। अब इसका मेन इफेक्ट क्या हुआ, थोड़ा सा समझ लीजिए फ्रेंड्स। जो शार्क और रे फिश है, कौन कौन सी, शार्क एंड रे फिश, इनके अंदर क्या होता है, दैट हैव ए जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स। क्लियर? जनरलाइज स्ट्रक्चर है गिल्स का, है ना। लेकिन हाइयर बोनी जो फिशेज हैं, कौन सी, हाइयर बोनी फिशेज, इनके अंदर क्या है, जो इंटरब्रेंकियल सेप्टम है, ये जो है ना यहाँ पे इंटरब्रेंकियल सेप्टम, इसको मैं आईएस से डिनोट कर रहा हूं। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, इंटरब्रेंकियल सेप्टम ये एब्सेंट होगा। क्लियर है? अब ये एब्सेंट है सो इससे क्या होगा, सो दैट हेमीब्रेंक्स ऑन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईच ब्रेंकियल आर्क आर नो लॉन्गर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनादर। क्लियर है, है ना, क्या कंसेप्ट समझ में आया, जो हेमीब्रेंक है, यानी कि ये जो डेमीब्रेंक कह सकते हैं चाहे हेमीब्रेंक कह सकते हैं इसको। ओके, ये इसका जो सेपरेशन है वो खत्म हो गया। क्लियर है? कैसे लिखेंगे, शार्क एंड रे हैव जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स इन हायर बोनी फिशेस, द इंटरब्रेंकियल सेप्टम इज लैकिंग, सो दैट हेमीब्रेंक और यू कैन से डेमीब्रेंक, ओके, ऑन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईच ब्रेंकियल आर्क आर नो लॉन्गर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। कंसेप्ट क्लियर है ना। चलिए अब इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन पहले ये पॉइंट डिस्कस कर लें। ओके, सो फ्रेंड ये सारा कुछ डेवलप कैसे होता है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है गिल्स का कैसे डेवलप होता है। सो दीज गिल्स डेवलप ऑन द वॉल ऑफ गिल पाउचेज और यू कैन से गिल आर्क। ओके, ये है आपकी गिल आर्क, ये रही। ओके, सो मॉडिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है कि क्या कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है ना। सो फ्रेंड ए गिल इज फॉर्म्ड ऑफ टू रो ऑफ सीरीज ऑफ गिल फिलामेंट और यू कैन से गिल लेमेला द डेवलप फ्रॉम द एपिथीलियम दैट कवरिंग द इंटरब्रेंकियल सेप्टम ऑन बोथ साइड। समझ में आ गया है ना, बड़ी अच्छी बात है। एंड फ्रेंड्स इंटरब्रेंकियल सेप्टम एक्सटेंड्स आउटवर्ड फ्रॉम द कार्टिलेजिनस आर्क। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है ना। चलिए बड़ी अच्छी बात फ्रेंड्स, ए सिंगल रो ऑफ गिल फिलामेंट ऑन वन साइड ऑफ इंटरब्रेंकियल सेप्टम दैट फॉर्म्स ए हाफ गिल दैट्स कॉल्ड हेमीब्रेंक और डेमीब्रेंक, जिसका जो सेपरेशन है वो आगे चल के नहीं होगा। यहां पे ये कंसेप्ट हमने क्लियर किया है ना, किया ना। चलिए फ्रेंड्स, एन इंटरब्रेंकियल सेप्टम विद टू हेमीब्रेंक, वन इज एंटीरियर एंड वन ऑन पोस्टीरियर, दैट फॉर्म्स ए कंप्लीट गिल, जिसे हम क्या बोलेंगे, हॉलो ब्रेंक। ओके, सो दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल एसोसिएटेड विद द aortic arc so that carbon dioxide in the blood may be exchanged for dissolved oxygen in the water. अब यहां पे एक कंसेप्ट और निकल के आता है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सभी को पता है, H2O है ना। तो यहां पे अपने पास ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। अब आपने एक चीज सोची होगी, शायद आप 8वीं 9वीं में होंगे उस समय, यार अपन तो ऑक्सीजन डायरेक्ट ले लेते हैं
लेकिन जो फिश हैं वो गिल्स के द्वारा रेस्पायर करती है, यानी कि उनको ऑक्सीजन चाहिए, और पानी में ऑक्सीजन है या नहीं है उस समय सोचा होगा ना ये सारी चीजें, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये पता लग गया आपको। अब आपको ये नहीं पता कि ये सारा चीजें कन्वर्ट कैसे होती है, गिल्स के द्वारा ही होती है, ठीक है? कैसे होती है? ऐसे होती है। ओके, समझ में आ गया होगा, उस समय भी समझ में आ गया होगा, 9th 10th 11th 12th के अंदर भी। ओके, और ग्रेजुएशन की होगी तो वहां पे तो कंसेप्ट क्लियर हो ही जाते हैं सारे के सारे। ओके, तो ये सारा कुछ कंसेप्ट है, या फिर थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज तो यूज नहीं करेंगे, चलिए छोड़ते हैं उस चीज को ना। सो फ्रेंड, फर्दर मोर द गिल अपर्चर, ये जो कंसेप्ट है ना अब इसको रिलेट करती है, ठीक है? अब यहां पे क्या होगा, सेपरेशन खत्म हो गया है ना, अब जो गिल अपर्चर है ऑल्सो नो लॉन्गर ओपन सेपरेटली टू द आउटसाइड, सो इंस्टेड द गिल्स आर एनक्लोज्ड इन ए सिंगल चैम्बर एंड कवर्ड एक्सटर्नली बाय ए लार्ज बोनी ऑपरकुलम। अब इससे क्या होगा, लार्ज बोनी ऑपरकुलम विच ओपन्स एंड क्लोज्ड पोस्टीरियरली टू परमिट वाटर टू पास टू द आउटसाइड। ये कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान आ रहा है आपको, ध्यान आ रहा है? शुरुआत में पढ़ा था कि इस तरीके से, मतलब माउथ से वाटर लिया और पता नहीं कहाँ कहाँ से फेंक दिया ना, ये सारा कुछ इस लेसन में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, और फिश वाले लेसन में तो डिस्कस किया ही था, लेसन नंबर 30 याद रखिएगा। ओके, और उसी से रिलेटेड कंसेप्ट नेक्स्ट लेसन में भी हम डिस्कस करेंगे, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का। ओके, और जो लंग्स है और जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट होगा। ओके, सो फ्रेंड आप ये कह सकते हैं कि इन मोस्ट बोनी फिशेस देर आर फोर पेयर ऑफ फंक्शनल गिल्स। ये कंसेप्ट कहां पे पढ़ा था, पिछली वाली स्लाइड के अंदर, जस्ट 10 मिनट पहले, है ना? चलिए अब हम पढ़ेंगे अलग अलग, प्रोटोकोर्डेट्स के अंदर, साइक्लोस्टॉम्स के अंदर, लास्मोब्रैंक्स के अंदर और बोनीफिसेस के अंदर कितने गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे कैसे, मतलब गिल्स के बारे में होगा पूरा का पूरा कंसेप्ट। ओके, तो चलिए फिर डिस्कस करें, शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी टर्म है वो आप जरा नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कि स्पाइरिकल्स। ओके, SPIRACLES, ये जो स्पाइरिकल्स है ये क्या है पता है किसी को? स्पाइरिकल्स को ही हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्यूडोब्रैंक्स, PSEUDOBRANCHS, स्यूडोब्रैंक्स। क्लियर? अब देखिए, अभी जो शार्क और रे फिश था ना, जिनके अंदर क्या था, जनरलाइज्ड गिल का स्ट्रक्चर था, है ना? क्या कुछ कंसेप्ट था वो, जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स किसके अंदर था, शार्क और रे फिश के अंदर। उसी से थोड़ा सा रिलेट करते हैं फ्रेंड्स, इन शार्क एंड रे फिश एन इंटीरियर पार्ट ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी ओपनिंग वन ऑन ईदर साइड बिटवीन मैंडिबुलर एंड हायर्ड आर्क, दैट्स कॉल्ड द स्पाइरिकल्स। क्लियर? या फिर स्यूडोब्रैंक्स। और अब आप क्या कह सकते हैं, ये जो है वो कैसा होगा, इंटरनली क्लोज्ड। ओके, क्लियर? एंड दीज बिकम क्लोज्ड और लॉस्ट किसके अंदर, इन लंग फिशेस और बोनी फिशेस के अंदर। अब ये कहां पे प्रेजेंट नहीं होगा, लंग और बोनी फिश के अंदर ये एब्सेंट होगा, ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। स्पाइरिकल्स क्लियर है ना? ऐसे ही कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हम लेसन के लास्ट में डिस्कस करेंगे, सो जस्ट वेट। ओके, उससे पहले ये साइक्लोस्टॉम्स वगैरह ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, गिल्स से रिलेटेड ही कंसेप्ट है। सो फ्रेंड, सबसे पहला हमारे पास आता है प्रोटोकॉर्डेट्स। क्लियर? और प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर गिल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, गिल स्लिट्स के कितने पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, सारा कुछ मैं कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा। फ्रेंड्स, प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर फेरिंग्स होता है ना, PHARYNX,
और फेरिंग्स से रिलेटेड एक कंसेप्ट है। फेरिंग्स कैसा होता है? लार्ज एंड सीव लाइक, SIEVE, सीव लाइक। फ्रेंड्स, ए लार्ज एंड सीव लाइक फेरिंग्स इन मेजोरिटी ऑफ दीज एनिमल, जिनका काम क्या है, दैट परफॉर्म ड्यूल फंक्शन। ड्यूल फंक्शन कौन कौन से, क्या क्या करता है भाई ये पता है किसी को? पहला तो हो गया कौन सा, रेस्पिरेशन, और दूसरा ट्रैपिंग फूड पार्टिकल। ओके, क्लियर कंसेप्ट है ना? देखिए, इस तरीके से लिख सकते हैं, ए लार्ज एंड सीव लाइक फेरिंग्स इन मेजोरिटी ऑफ दीज एनिमल दैट परफॉर्म ड्यूल फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन एंड ट्रैपिंग फूड पार्टिकल विच आर ब्रॉट इन थ्रू द करंट ऑफ वॉटर। ओके, अब देखिए ये पॉइंट यहां पे निकल के आता है, द प्रिमिटिव टेरोब्रेंक हेमिकॉर्डेट्स हैव इधर नो गिल स्लिट और हैव ए वेरी फ्यू एंड स्पॉट टेंटिकुलेटेड आर्म विच अदर देन फूड गैदरिंग ऑल्सो फंक्शन एज एफिशियंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? लेकिन अब यहां पे एग्जाम्पल बताएगा कोई प्रिमिटिव टेरोब्रेंक हेमिकॉर्डेट्स के, पता है किसी को? डिस्कस किए थे हमने, है ना? चलिए मैं बता देता हूं। पहला तो है सिफेलोडिस्कस, CEPHALO, सिफेलोडिस्कस, DISCUS। और दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं रैप्डोप्लूरा, RHABDOPLEURA। ओके, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब यहां पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट या तो नहीं होंगे, या फिर प्रेजेंट होंगे तो थोड़े बहुत होंगे। ओके, एंड यहां पे और क्या होगा, टेंटिकुलेटेड आर्म्स होंगी जिसके द्वारा क्या होगा, फूड गैदरिंग होगी, एंड इट ऑल्सो फंक्शन एज ए एफिशियंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्लियर? अब अगर बात करें किसकी, बेलानोग्लोसिस की, दैट पजेसिज ए लार्ज फेरिंग्स। ओके, क्लियर है ना? यहां पे है फेरिंग्स। अब ये जो फेरिंग्स है वो लार्ज है और सीव लाइक, तो आप समझते हैं है ना? कितने गिल स्लिट्स यहां पे प्रेजेंट होंगे, हैव एन आइडिया, आइडिया है किसी को? 700 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स? अब ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्या आप इसको इस तरीके से लिख देंगे? बिल्कुल नहीं। एक सेंटेंस बना के लिखेंगे, बेलानोग्लोसिस पजेसेस ए लार्ज फेरिंग्स हैविंग एज मेनी एज 700 पेयर ऑफ गिल स्लिट विच अपीयर टू बी ए नेसेसिटी इन द ब्रोविंग हैबिटेट ऑफ द एनिमल। क्लियर? कब अपीयर होता है ये, समझ में आ गया? ओके फ्रेंड्स, यूरोकोडेट्स की बात करें, द फ्री लिविंग यूरोकोडेट सच एज सल्पा एंड डॉलियोलम, इसके बारे में भी डिस्कस किया था हमने, है ना? ये कंसेप्ट तो छूटा ही नहीं है। सल्पा एंड डॉलियोलम डू नॉट पजेसेस मैनी स्टिग्मा और यू कैन से गिल स्लिट एज देयर एंटायर बॉडी इज परमिएबल टू ऑक्सीजन, बट इन द सेडिमेंट्री एस्किडियंस यहां पे क्या होगा, फेरिंग्स इज प्रोमिनेंटली एनलार्ज्ड एंड परफोरेटेड विद नो लेस देन 2 लाख स्टिग्मा फॉर फिल्टर फीडिंग। कंसेप्ट क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? अब अगर सिफेलोकोडेट्स की बात करें, सो दैट यूज फेरिंग्स फॉर बोथ फिल्टर फीडिंग एंड रेस्पिरेशन। अब यहां पे क्या कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कि यहां पे गिल स्लिट्स कितने हैं, गिल स्लिट्स, इसके बारे में मैंने बताया था आपको लगभग 20 से 25 मिनट पहले, है ना? सो कितने गिल स्लिट्स थे, 150 टू 200 पेयर्स। ओके, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहां पे? चलिए, प्रोटोकोडेट्स क्लियर, अब चलते हैं साइक्लोस्टोम्स पे। अब आता है अपने पास साइक्लोस्टोम्स।
और साइक्लोस्टोम्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है भाई? मार्सिपोब्रैंक, लिख लीजिए, MARSIPOBRANCHS, मार्सिपो ब्रेंक्स। क्लियर? अब मार्सिपो ब्रेंक्स का मीनिंग क्या है, किसी को पता है? इसका मीनिंग है पाउच्ड गिल्स, PUCHED, पाउच्ड गिल्स। समझ में आया क्यों कहते हैं मार्सिपो ब्रेंक्स? मार्सुपियल्स पढ़ा था, है ना? अब रिलेट कर लीजिए उससे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, देखिए जो एगेंस हैं उनके अंदर कितने गिल पाउचेज हैं यहाँ पे? क्लियर है? 6 to 15, है ना? क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? ओके, विच आर लेटरल एक्सटेंशन ऑफ फेरिंग्स एंड कंटेन गिल लैमेला विद इन। अब बात करें हैगफिश की और मिक्सिन की। दैट हैज ओनली 6 pair ऑफ गिल पाउचेस हुज डक्ट ज्वाइन टुगेदर एंड ओपन टू द एक्सटीरियर बाई ए सिंगल पेयर ऑफ ओपनिंग। क्लियर है? अब बात करें किसकी? डेलोस्टोमा की। क्लियर? डेलोस्टोमा दैट कैरीज 6 to 15 pair ऑफ गिल पाउचेस दैट वेरी इन डिफरेंट स्पीसीज एंड ओपन टू द आउटसाइड इंडिपेंडेंटली। क्लियर? अब ये जो है ना मिक्सिन, इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर करते हैं फ्रेंड्स। यहां पे होता क्या है, इन मिक्सिन बिहाइंड द गिल पाउचेस देर इज ए सिंगल फेरिंगो क्यूटेनियस डक्ट। कौन सी साइड क्या होता है यहां पे? सिंगल फेरिंगो क्यूटेनियस। ओके, कहां पे प्रेजेंट होती है? लेफ्ट साइड में। क्लियर है? अब आगे इसका क्या होगा? विच इज ए मॉडिफाइड गिल पाउच विच ड्रेन एक्सेस वाटर दैट फॉल्स टू एंटर द गिल पाउचेस। क्लियर? मिक्सिन के बारे में कंसेप्ट से रिलेटेड एक लाइन लिख लीजिए। इन मिक्सिन बिहाइंड द गिल पाउचेस देर इज ए सिंगल फेरिंगो क्यूटेनियस डक्ट ऑन द लेफ्ट साइड विच इज ए मॉडिफाइड गिल पाउच विच ड्रेन एक्सेस वाटर दैट फेल्स टू एंटर द गिल पाउचेस। कंसेप्ट क्लियर है ना? अब लैम्प्रे और पेट्रोमाइजोन की बात करें, दैट हैज 8 embryonic एंड 7 adult pair गिल पाउचेस दैट ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाई इंडिपेंडेंट ओपनिंग। ओके, यानी कि एक रेंज दे दी हमने साइक्लोस्टोम्स में, कितनी? 6 to 15। ओके, क्लियर है? अब चलते हैं इलास्मोब्रैंक्स पे। सो फ्रेंड, इलास्मोब्रैंक के बारे में क्या कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए जाए? आप यहां पे सिंपली ये कह सकते हैं, देर आर 5 pair ऑफ गिल स्लिट्स एंड ए पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स, है ना? और यहाँ पे जो डेमीब्रैंक है उसको हम क्या बोलते हैं? डेमीब्रैंक को हेमीब्रैंक बोलते हैं। और स्पाइरिकल्स का दूसरा नाम क्या है? स्यूडोब्रैंक। कितने डेमीब्रैंक प्रेजेंट हैं, कहाँ पे प्रेजेंट हैं, किसके द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, सारा कुछ क्लियर करूंगा। ओके, ये कुछ कुछ कंसेप्ट जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कंप्लीट का, वहां पे भी हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब थोड़ा सा डेडिकेटेड मैनर में कह सकते हैं, और डिटेल में भी हम पढ़ रहे हैं इसको। सो फ्रेंड, यू कैन से मोस्ट इलास्मोब्रैंक पजेसिस 5 pair ऑफ गिल स्लिट एंड ए पेयर ऑफ स्पाइरेकल एंड देर इज नो ओपकुलम कवरिंग द गिल स्लिट इन कार्टिलेजिनस फिशेस। अब देखिए क्या कंसेप्ट निकल के आया कि डेमीब्रैंक हम किसको बोलते हैं? पता है किसी को डेमीब्रैंक किसको बोलते हैं? देर इज ए बंच ऑफ गिल लैमेला अटैच्ड ऑन वन साइड ऑफ इंटरब्रैंकियल सेप्टम, दैट्स कॉल्ड डेमीब्रैंक। अब जो डेमीब्रैंक है वो कितने हैं इलास्मोब्रैंक के अंदर, पता है किसी को? देर आर 9 pairs। ओके, ये याद रखना है। अब देखिए एक कंसेप्ट और जुड़ता है यहाँ पे, जो दो डेमीब्रैंक है, बिटवीन द टू डेमीब्रैंक लाइज द इंटरब्रैंकियल सेप्टम,
ये जो आपने इमेज देखी थी वहां पे कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ था, ऐसा कुछ था, ये है और ये बीच में ये प्रेजेंट है, ओके, विच इज सपोर्टेड बाय द गिल कार्टिलेज एंटीरियर टू द फर्स्ट गिल स्लिट इज ए स्पाइरिकल और यू कैन से स्यूडोब्रिंक। क्लियर है स्पाइरिकल किसे कहते हैं, ये भी कंसेप्ट यहां पे भी क्लियर और वहां पे भी क्लियर कर दिया था, है ना। एंड फ्रेंड्स, इन फ्री स्विमिंग शार्क एंड डॉग फिशेज वॉटर जनरली एंटर्स थ्रू द माउथ, है ना। अब ये जो कंसेप्ट है इसको अगर और ज्यादा जानना है तो फिश का जो रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था वहां पे आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। अब ये जो दो कंसेप्ट है ना यहाँ पे, ये देखिए, एक कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और गिल्स के द्वारा वो सारा कुछ फंक्शन होता है, एक ये है। ब्लड टू द गिल इज सप्लाइड बाय द फाइव पेयर ऑफ ए फ्रंट ब्रिंकियल आर्टरीज। ए फ्रंट और ई फ्रंट पता है ना क्या होता है डिफरेंस, ये रहा ई फ्रंट ब्रिंकियल आर्टरी और एक था ए फ्रंट ब्रिंकियल आर्टरी, उल्टा सुल्टा आप कह सकते हैं। जैसे कि दो शब्द होते हैं इफेक्ट और एफेक्ट, दोनों का उल्टा मीनिंग होता है, चाहे तो गूगल कर सकते हैं, ओके। सो फ्रेंड, ए फ्रंट ब्रिंकियल आर्टरीज कमिंग फ्रॉम द वेंट्रल आर्टा एंड हेंस दे ब्रिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, क्लियर है ना। एंड ब्लड इज देन ऑक्सीजनेटेड इन गिल्स एंड इज कलेक्टेड बाई द लूप ऑफ फोर पेयर ऑफ ई फ्रंट ब्रिंकियल आर्टरी एंड कैरिड टू द पेयर ऑफ डोर्सल आर्टा, क्लियर। एंड द टू साइड ऑफ विच मीट पोस्टीरियरली टू फॉर्म सिंगल मीडियन डोर्सल आर्टा, जो कि क्या करता है, दैट सप्लाइज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द होल बॉडी, क्लियर। एक बाहर निकाल रहा है और एक अंदर लेके आ रहा है, एक में फोर पेयर हैं, दूसरे में फाइव पेयर हैं, क्लियर। डिफरेंस भी पूछे तो भी आप बता सकते हैं, क्लियर है कंसेप्ट, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड, अगर रहता है तो आप पूछ सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं बोनी फिशेस के बारे में। फ्रेंड्स, बोनी फिश का सबसे सिंपल है क्या पॉइंट है, इन बोनी फिशेस गिल्स आर कवर्ड विद द ऑपिकुलम दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड स्केलेटल प्लेट्स एंड देर इज नो स्पाइरिकल एज इन द इलास्मोब्रैंक। इलास्मोब्रैंक में स्पाइरिकल्स थे, यहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे, डिफरेंस पता लग गया। एंड देर आर फोर पेयर ऑफ गिल पाउचेस, ईच कंटेन टू डेमीब्रैंक, मेक द टोटल नंबर ऑफ डेमीब्रैंक इन बोनी फिशेस एज एट पेयर और यू कैन से फोर पेयर ऑफ कंप्लीट गिल और यू कैन से होलोब्रैंक। अब देखिए क्या कुछ समझ में आया, होलोब्रैंक्स मीन्स कंप्लीट गिल जो कि चार हैं, डेमीब्रैंक मीन हाफ, ओके। इसीलिए फोर पेयर ऑफ कंप्लीट गिल और एट पेयर ऑफ हाफ गिल्स, हेमीब्रैंक या डेमीब्रैंक, ओके। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें लिख सकते हैं, दोनों में से एक लिख सकते हैं। अब टीलोस्ट की बात करें, सो फ्रेंड, टीलोस्ट ऑलवेज ब्रीद विद देयर माउथ ओपन एंड इजेक्ट एक्सपिरेटरी वाटर बाई ओपनिंग ओपरकुलम। ओपरकुलम क्या है, इतने देर से ओपरकुलम 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 कर रहे हैं डिस्कस, है ना। अभी तक तो मैं तीन चार बार बता चुका हूं ओपरकुलम, फिश वाले लेसन में चले जाइए, वहां पे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर है, अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो वहां पे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यार दोबारा वो डिस्कस करने बैठेंगे ना तो फिर काफी लेंदी लेसन हो जाता है ना। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप पर्सनली मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, ओके। सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं, ओके। सो फ्रेंड, जो कॉन्ड्रोसाइट है उसके अंदर गिल्स और होलोसाइट और जो लंग फिश है दैट एग्जिबिट पार्शियल रिडक्शन इन देयर इंटरब्रिंकियल सेप्टा व्हिच हैपेंस टू बी समवॉट इंटरमीडिएट कंडीशन बिटवीन इलास्मोब्रैंक्स एंड टीलोस्ट। समझ में आया, यानी कि ये इनका थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बिचौलिया है, ओके। थोड़ा
थोड़ा सा अगर लोकल लैंग्वेज की तरफ चलें, मतलब थोड़ा सा देसी भाषा में अगर बोलें, फ्रेंड्स अब हमारे पास आती है कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, ओके, और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, छोटी छोटी टर्म हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, ओके। सो फ्रेंड, सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है रेड ग्लैंड, और रेड ग्लैंड रिलेट करेगी किससे? एयर ब्लैडर से, है ना। थोड़ा सा कंसेप्ट मैं रिलेट करता हूँ, आपने एगेंस सुने हैं, है ना, कार्टिलेजिनस फिशेज भी सुनी है, और जो बॉटम ड्वेलिंग टेलोस्ट हैं वो भी आपने पढ़ा हुआ है ना। और आपको ये भी पता है कि जो सारे के सारे फिशेज हैं वो क्या कैरी करती हैं? गैस फिल्ड एयर ब्लैडर। क्लियर? गलत तो नहीं है। और एयर ब्लैडर से रिलेटेड कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ पे, कहाँ पे? एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वाले लेसन में, यानी कि नेक्स्ट लेसन में, ओके। सो फ्रेंड, अब जो ये पूरा का पूरा बताया, एयर ब्लेडर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट डोसली, या फिर कह सकते हैं डोसल साइड ऑफ गट। क्लियर? गट क्या होता है आपको समझ में आ गया है ना, पता है ये चीज तो। चलिए फ्रेंड्स, अब ये जो एयर ब्लेडर है वो कैसा ऑर्गन है, क्या काम करता है, पता है किसी को इससे रिलेटेड कंसेप्ट, है ना? क्योंकि देखिए थोड़ा सा लेंदी कंसेप्ट है, इसको आप कह सकते हैं हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन, हाइड्रो स्टेटिक ऑर्गन, ओके। क्लियर? सो फ्रेंड, अब ये तो हो गया डोसल, अब अगर वेंट्रल साइड की बात करें, किसकी? वेंट्रल साइड ऑफ ब्लेडर, देयर अकर ए हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया दैट्स कॉल्ड रेड ग्लैंड, ओके, इसकी वेंट्रल साइड दैट्स कॉल्ड एयर, सॉरी, रेड ग्लैंड, ओके। क्लियर है? सो फ्रेंड, रेड ग्लैंड का काम क्या है, क्या है, और ये मतलब इसका अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना हो आपको, ये तो समझ में आ गया कि रेड ग्लैंड है क्या, है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? रेड ग्लैंड दैट इज सप्लाइड बाय द इंटेस्टाइनल आर्टरी एंड पोर्टल वेन, एंड विच हैज यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फ्री ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड एंड रिलीज इट इन टू द एयर ब्लेडर इन ऑर्डर टू मेक इट इनफ्लेट। क्लियर? रेड ग्लैंड का कंसेप्ट क्लियर पूरा का पूरा, है ना। अब ये छोटा सा कंसेप्ट है किसका? ओवल, नाम से आपको पता लग रहा है, इसको आप डाइवर्टिकुलम से रिलेट कर सकते हैं। सो आप इसको कह सकते हैं ए स्मॉल पाउच लाइक डाइवर्टिकुलम। सो डाइवर्टिकुलम को ही आप क्या कह सकते हैं? ओवल, डाइवर्टिकुलम। ये भी हम कहां पर डिस्कस करेंगे? एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर, है ना। और दो तरह के होंगे डाइवर्टिकुलम भी, डाइवर्टिकुला, ओके। सो फ्रेंड, जो ओवल है दैट कैन बी क्लोज्ड और ओपन बाय द स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल क्या है, डिस्कस किया था, ये हमने शुरुआत वाले लेसन्स में डिस्कस किए थे, 10 से 15 लेसन, मतलब 1 से लेके 15 लेसन के बीच में आप देख लीजिए, वहाँ पे हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया है स्फिंक्टर मसल के बारे में, और आगे भी ये कंसेप्ट आएगा, ओके। और काफ़ी जगह हमने डिस्कस किया है स्फिंक्टर मसल के बारे में। फ्रेंड्स, ओवल दैट कैन बी क्लोज्ड और ओपन बाय द स्फिंक्टर मसल इज द साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, ओके। और फ्रेंड्स, यू कैन से सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस इन स्विम ब्लैडर अकर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, बेस्ड ऑन द डेप्थ एट विच ए फिश इज स्विमिंग। समझ में आया? और ज्यादा क्लियर नेक्स्ट लेसन में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायवर्टिकुला से रिलेट कर रहा है। अब देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेब्रियन ओसिकल्स, वेब्रियन ओसिकल्स
कैसे रिलेट करेंगे इसको, टीलोस समझ में आता है ना, या फिर कह सकते हैं स्प्रिनी फॉर्म समझ में आता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सीरीज होती है किसकी, चार स्मॉल बोन्स की, जिसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, फर्स्ट तो ट्राइपस, TRIPUS, ट्राइपस, और इंटर कैलेरियम, और तीसरी है स्कैफियम, SCAPHIUM, और चौथी है क्लॉस्ट्रम, CLAUSTRUM। ओके, ये चार स्मॉल बोन्स हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं देयर इज ए सीरीज ऑफ फोर स्मॉल बोन्स। ओके, अब देखिए ये जो शब्द है वेब्रियन ओसिकल, दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट थ्री वर्टिब्रेट्स, क्या समझ में आया, टीलोस की मैं बात कर रहा हूं, वेब्रियन ओसिकल्स पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, और यहां पे चार स्मॉल बोन्स हैं जिनका नाम ट्राइपस, इंटरकैलेरियम, स्कैफियम और क्लस्ट्रम है, दैट डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट थ्री वर्टिब्री एंड कॉल्ड वेब्रियन ओसिकल। अब जो वेब्रियन ओसिकल है दैट कनेक्ट्स द एंटीरियर एंड ऑफ द एयर ब्लैडर विद द साइनस एम्पायर ऑफ मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ओके, ये इसका मेन फंक्शन हो गया, क्लियर। और जो साउंड वाइब्रेशन है वो किसके द्वारा रिसीव होती है, एयर ब्लैडर्स के द्वारा। सारे की सारी जो टर्म है ना वो कहीं ना कहीं जाके एयर ब्लैडर से रिलेट कर रही है। ओके, अब नेक्स्ट है फाइसोस्टोमस और फाइसोक्लिस्टस। क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों कुछ एक जैसे ही लग रहे हैं। फाइसो मीन्स बैग। ओके, दोनों का मीनिंग यही है। अब जो क्लिस्टा है और स्टोमा है, यानी कि स्टोमस, इसका मीनिंग क्या हुआ, ओपनिंग है ना, और जो क्लिस्टस है इसका मीनिंग क्या हुआ, क्लोज्ड, क्लियर हो गया है ना। देखिए फ्रेंड्स, फिशेज विच डू नॉट हैव सच न्यूमेटिक डक्ट कनेक्टिंग द एयर ब्लैडर आर कॉल्ड फाइसोक्लिस्टस, क्लियर, दैट इज बैग क्लोज्ड, और फाइसोस्टोमस बैग ओपनिंग। आप कह सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल अगर लें इस चीज का, किसका, बैग ओपनिंग का, सो एग्जाम्पल ले सकते हैं गैनोइड्स, GANOIDS, गैनोइड्स, और कैटफिश का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, और उसके अलावा कार्प्स का एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे। इनमें क्या होता है, जो न्यूमेटिक डक्ट है दैट कनेक्ट्स द एयर ब्लैडर विद ओसोफेगस, सो इस कंडीशन को हम बोलेंगे फाइसोस्टोमस। समझ में आ गया फाइसोस्टोमस और फाइसोक्लिस्टस के अंदर डिफरेंस क्या है। ओके, कोई डाउट तो नहीं है इंपॉर्टेंट टर्म्स में, है ना, और अगर फिर भी कोई रहता है तो आपके पास सारे कुछ रास्ते खुले हुए हैं, सारे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड, इस लेसन में फिलहाल इतना ही, एंड आई होप यू लाइक दिस लेसन, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच, एंड हैव एन ऑसम डे।